आज रेक्टेंगल का चौथा भाग हम लोग देखेंगे। पिछले प्रश्न का जवाब सुन लीजिए। सही जवाब होगा 25 प्लाट। सवाल थी 10 मीटर गुणित 75 मीटर के प्लाट में 20 मीटर गुणित 15 मीटर के कितने प्लाट बनेंगे। तो सही जवाब है 25 प्लाट बनेंगे। और जवाब किन्होंने दिया है नाम सुन लीजिए। अरुण कुमार, विजय कुमार, सोनू पंडित, कुलेश्वर, AK साहा, राधेश्याम, गजेंद्र प्रजापति, उमाकांत, देशांतर कुमार, धर्मेंद्र कुमार, दिव्या भास्कर, रंजन कुमार, इंद्रजीत, राजेंद्र साहू, संदीप, सूरज, देवेंद्र यादव। इतने लोगों ने सही जवाब दिया है। तो आज भी ध्यान से देखिएगा, आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछेंगे, इसका भी आपको सही से जवाब देना है। तो शुरू करते हैं अगली कड़ी में कि आज हम लोग सीखेंगे कि कमरे के चारों दीवालों का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो कमरे की दीवालें या तो वर्गाकार होती हैं या तो आयताकार, इसीलिए इसको हम आयत के ही चैप्टर में पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो कमरे की चारों दीवालों का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो उसके पहले आप कुछ समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि जब हम आपको घन पढ़ाएंगे तब पूरी बात क्लियर होगी, लेकिन अभी आप क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, आयत पढ़ रहे हैं, तब भी क्षेत्रफल की जरूरत है, इसलिए आपको थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। मान लीजिए ये एक कमरा है, इसका ये पीछे वाला हिस्सा है और सामने वाला, तो इसमें कुल 6 फलक होते हैं। 6 फलक का मतलब कि दाएं बाएं 4 दीवारें, एक छत और एक फर्श, तो कुल 6 फलक होते हैं। तो जब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहा जाता है तो उसमें छत और फर्श शामिल नहीं होता, केवल अगल बगल की चारों दीवारें ही होती हैं। और सभी दीवारें कैसी होती हैं, या तो वर्गाकार या तो आयताकार। आमतौर पर आमने सामने की दीवारें एकदम सेम होती हैं, जितनी लंबाई चौड़ाई बाएं वाले की है उतनी ही लंबाई चौड़ाई दाएं वाले की होगी। तो इसी पर आधारित आज हम लोग सीखेंगे। तो पहला प्रश्न है, पहले विस्तार से लगाएंगे, उसके बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक में 2 सेकंड में सवाल लग जाएगी, लेकिन पहले विस्तार से समझिए। पहली सवाल है, एक कमरे की लंबाई 20 फुट, चौड़ाई 15 फुट एवं ऊंचाई 10 फुट है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 20, 15 और 10 लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। तो मान लीजिए कि यही एक दीवार है, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, 20 फुट। चौड़ाई का मतलब यहां से यहां तक कितना है, 15 फुट। और ऊंचाई का मतलब कि ये नीचे से छत तक जो गया है कितना है, 10 फुट। 20, 15, 10 हमें दीवालों का क्षेत्रफल निकालना है। दीवालें कितनी हैं, 4। तो पहले समझिएगा, मैं नामकरण कर दे रहा हूं दीवालों का। एक तो दीवार ये हो गई जो सामने दिख रही है और एक पीछे, तो ये सामने फर्स्ट और इसके पीछे सेकेंड। उसके बाद तीसरी नंबर की ये बाएं है और चौथी नंबर की भी ये बाएं है, तो 4। तो जो तीसरी दीवार का क्षेत्रफल आएगा वही चौथी का आएगा, और जो पहली का आएगा वही दूसरी का आएगा। तो इसका मतलब कि अगर हम दो दीवारों का क्षेत्रफल निकाल के दुगुना कर दें तो चारों का अपने आप निकल जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे कि पहली और दूसरी की बात करें, तो पहली दीवार की लंबाई कितनी होगी, 20, और चौड़ाई तो होगी नहीं, दीवार में चौड़ाई नहीं ली जाएगी, दीवार में हमेशा ऊंचाई ली जाएगी, लंबाई और ऊंचाई या फिर चौड़ाई और ऊंचाई। तो देखो पहली और दूसरी की अगर बात करें, पहली और दूसरी दीवार, तो लंबाई कितनी है, 20, ऊंचाई कितनी है, 10, और दीवारें कितनी है, 2। तो 20 दहमा 200, दोना 400 वर्ग फुट। पहली और दूसरी का क्षेत्रफल आ गया 400 वर्ग फुट, यानी कि एक दीवार का 400 का था 200। अब इसी तरह से तीसरी और चौथी की बात करें, तो तीसरी वाले में लंबाई कितनी, यहाँ पे चौड़ाई भी, यहाँ पे लंबाई को चौड़ाई माना जाएगा, ये कितना है, 15, और ऊंचाई कितनी है, 10। तो 15 गुणित 10 और दो दीवारें हैं, तो कितना हो जाएगा, 15 दहमा 150, दूना 300 वर्ग फुट, और सबको जोड़ दिया तो टोटल कितना हो गया, 400 प्लस 300 700 वर्ग फुट।
तो ये जो प्रश्न था इसमें कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आया, 400 वर्ग फुट। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम ऐसा ही एग्जाम में करेंगे, ये तो बहुत समय खा जाएगा, गलती का भी चांस है कि पता चला कि हम लंबाई में चौड़ाई का ही गुणा कर दें, तब तो फर्श का क्षेत्रफल निकल जाएगा, दीवार का निकलेगा ही नहीं। तो इसीलिए अब मैं आपको एक बहुत जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं जो कि कभी गलत नहीं होगा। तो आपको याद रखना है ट्रिक, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है 2h और ब्रैकेट में l प्लस बी। ये देखिए ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये आप सब जानते हैं। h माने होता है हाइट, हाइट का मतलब हिंदी में ऊंचाई, दो गुणित ऊंचाई गुणित ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई, यानी कि लंबाई का चौड़ाई में जोड़ करके 2h में गुणा कर देंगे तो सीधा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल याद मतलब आ जाएगा। तो आपको यही फार्मूला याद करना है 2h l plus b। चलिए हल कर लेते हैं, दो गुणित ऊंचाई कितनी है सवाल में 10 फुट, तो दो गुणित 10 ब्रैकेट के अंदर l, l का मतलब लंबाई, लंबाई कितनी है 20, चौड़ाई कितनी है 15, 10 × 2 = 20। अब गुणा का यहां चिन्ह लग जाएगा, ब्रैकेट के बाहर गुणा का ही लगता है, 15 और 20 = 35। अब 35 में 20 का गुणा कर दो, 35 × 2 = 70 और 1 = 0, 700 वर्ग फुट। तो जो हमने इतना विस्तार से लगाया, गलती करने का भी चांस बहुत ज्यादा था, वो मैंने आपको समझाने के लिए कि ऐसा होता है। लेकिन जब भी परीक्षा में आएगा कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ, तो आप आंख बंद करके 2h ब्रैकेट में l प्लस b लिख करके सॉल्व कर लीजिए, सीधा आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, पूरा कांसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो सवाल यही है, बस इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बदली है। एक कमरे की लंबाई 30 फुट, चौड़ाई 20 फुट एवं ऊंचाई 8 फुट है। 30 फुट, 20 फुट एवं 8 फुट है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल फार्मूला यही लगेगा, फार्मूला बदलने वाला नहीं है। क्या फार्मूला है? 2h l plus b। चलिए 2 × h, ऊंचाई कितनी है 8 फुट, लंबाई कितनी है 30 फुट, चौड़ाई कितनी है 20 फुट, सब लिखा हुआ है, 30, 20, 8। अब कितना हो गया, 8 × 2 = 16 गुणित 30, 20, 50, गुणा कर दो, 16 × 5 = 80, 1 = 0 और 800 वर्ग फुट। मुझे लगता है कि अब कोई आप गलती नहीं करेंगे, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो 2h l plus b लिख करके सवाल को हल कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब बात समझ में आ गई। अब अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा प्रश्न आ जाए कि पूरे कमरे का क्षेत्रफल निकालो, पूरे कमरे का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि चारों दीवारें भी हो, छत भी हो और फर्श भी हो। अगर केवल फर्श का कहता है इसी सवाल में, जैसे अभी मैंने जो सवाल लिखी है कि एक कमरे की चारों दीवारों की लंबाई लंबाई 30 फुट, चौड़ाई 20 फुट और ऊंचाई 8 फुट है, तो इस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बताओ, इसी सवाल में कर लेते हैं, फर्श का क्षेत्रफल, केवल फर्श। तो केवल फर्श का जब क्षेत्रफल कहेगा तब आप लिखेंगे लंबाई गुणित चौड़ाई, क्योंकि फर्श में लंबाई होगा और क्या होगा, चौड़ाई। लेकिन दीवार में लंबाई चौड़ाई नहीं होगा, दीवार में लंबाई और ऊंचाई होगा या फिर चौड़ाई और ऊंचाई होगा, फर्श में लंबाई और चौड़ाई होगा। तो लंबाई कितनी है 30, चौड़ाई कितनी है 20, तो कितना हो गया 3 × 2 = 6 = 0, 600 वर्ग फुट, 600 वर्ग फुट फर्श का, अकेले फर्श का, लेकिन चारों दीवारों का 800 वर्ग फुट। अगर मान लीजिए कह दिया कि छत का क्षेत्रफल निकालो, तो जो फर्श का क्षेत्रफल आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, वही छत का भी आता है, यानी कि छत का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी फार्मूला लगेगा लंबाई गुणित चौड़ाई
और फर्श के लिए भी लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि जितना फर्श होगा उतना ही तो छत होगा ना। मंदिर तो है नहीं कि आगे जाके कम हो जाएगा, वो अपवाद के रूप में हो गया, वरना फर्श और छत सेम रहता है। यानी कि जो फर्श का आया उसी को डबल कर दो तो फर्श और छत दोनों हो गया। तो कुल मिला के अब हमारे सामने क्या प्रश्न है कि मान लीजिए प्रश्न यही है। अब इसमें कह रहा है कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल मत बताओ, बल्कि पूरे कमरे का बताओ। पूरे कमरे का मतलब कि छत भी हो, फर्श भी हो और चारों दीवारें भी हो। तो उसका फार्मूला चारों दीवारों का तो यही होगा 2HL+B। तो सबसे पहले आप चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद फर्श का निकालेंगे और छत का निकालेंगे। तो फर्श और छत दोनों का निकालना है तो लंबाई गुणित चौड़ाई में 2 का गुणा कर दो, क्योंकि 2 है, फर्श है और छत है, तो यहां भी 2 का गुणा हो जाएगा। और यहां जो 600 आया है यहां पे 2 का गुणा हो जाएगा और क्या हो जाएगा 1200। तो छत और फर्श की क्षेत्रफल हो गया 1200, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 800, दोनों को जोड़ दिए तो पूरा कितना हो गया 800 प्लस 600 बराबर 1200। तो 12 8 20 यानी कि 2000 वर्ग फुट। तो अब मुझे लगता है कि आप पूरी बात आप समझ गए कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, फर्श का कैसे निकालेंगे, छत का। अगर मान लो सिर्फ एक दीवार का कह रहा है तो जिस दीवार के बारे में कह रहा है उसका पार्टिकुलर नाम लेगा तो उसकी लंबाई और ऊंचाई में गुणा होगा या चौड़ाई और ऊंचाई में गुणा होगा, वो आपको जरूर बताया जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली सवाल है, एक फर्श की लंबाई 30 फुट एवं चौड़ाई 20 फुट है, इसमें 3×2 वर्ग फुट के कितने टाइल्स लगेंगी, 3×2 वर्ग फुट के कितने टाइल्स लगेंगी। जब भी टाइल्सों की संख्या पूछे, टाइल्स दीवार पे लगेगी या फर्श पे लगेगी, है ना, तो जब भी टाइल्स की संख्या पूछे आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है, वही प्लाट वाला, बड़ा वाला प्लाट बताया था ना कि बड़े प्लाट में छोटा प्लाट कैसे बनता है, तो ये बिल्कुल वही बात है। समझिए, जैसे मान लीजिए एक फर्श है तो इसको आप मान लीजिए कि प्लाट, बड़ा प्लाट है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई 30 फुट और 20 फुट है। अब इसी में छोटे छोटे प्लाट बनाने हैं, यानी कि छोटा छोटा टाइल्स लगाना है। तो वो जो टाइल्स होगा उसकी लंबाई क्या होगी, 3×2। मान लीजिए यहां से यहां तक 3 है और यहां 2 है, ऐसे ये ऐसे ऐसे इसमें कितने लगेंगे, तो वही प्लाट वाला ही फार्मूला लगेगा। तो टाइल्स की संख्या बराबर क्या होगा, टाइल्स की संख्या, जब भी टाइल्स की संख्या निकालनी हो आप क्या निकालेंगे, फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल। ये सूत्र है, कितनी टाइल्स लगेगी ये निकालना है। तो पूरे फर्श का क्षेत्रफल, अगर दीवार में लग रही है तो दीवार का क्षेत्रफल, ग्राउंड में लग रही है तो ग्राउंड का क्षेत्रफल, उसके बाद नीचे एक टाइल्स के क्षेत्रफल में भाग देना है, तो पता चल जाएगा कि कुल कितनी टाइल्स लगेंगी। तो जो फर्श है उसकी क्षेत्रफल उसका क्या होगा, लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर दो, 30 में 20 का गुणा कर दो। और टाइल्स क्या है, 3×2 है, 3 फुट लंबी 2 फुट चौड़ी, तो एक टाइल्स की क्षेत्रफल होगा 3×2। अब देखो 3×2 = 6, 00 क्योंकि 2 जीरो इधर, बटे 3×2 = 6, 6 से 6 कट गया तो सीधा सीधा क्या आ गया, 100। यानी कि कितनी टाइल्स लगेंगी, 100 टाइल्स लगेंगी, बहुत सरल है। ऐसी एक सवाल और है, उसको देख लेते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सवाल है, एक फर्श की लंबाई 10 मीटर एवं चौड़ाई 8 मीटर है। अब की बार सवाल फुट में नहीं है, मीटर में है, ध्यान रखिएगा। एक फर्श की लंबाई 10 मीटर एवं चौड़ाई 8 मीटर है, इसमें 20 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गाकार टाइल्स लगेंगी। फार्मूला वही, फार्मूला में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल,
लेकिन थोड़ी यहाँ सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। सावधानी हटी कि आपकी सवाल में दुर्घटना घट जाएगी, सवाल गलत हो जाएगी। सावधानी क्या है? जो फर्श की लंबाई चौड़ाई है वो मीटर में है, और जो टाइल्स की लंबाई चौड़ाई दी गई है वर्गाकार, वो किस में है? सेंटीमीटर में है। यानी कि दोनों का संबंध नहीं है, विजाती है। जो मात्रक है, यूनिट है, वो कैसी है? विजाती है। तो पहले हम इसे सेम जाति का बनाएंगे। सेम जाति का मतलब कि जो फर्श की लंबाई चौड़ाई है कितनी है? दस मीटर एवं आठ मीटर। तो देखो, जो दस मीटर है उसको सेंटीमीटर में बदल दो। किसमें बदलो? सेंटीमीटर में, क्योंकि नीचे वाली जो टाइल्स है वो सेंटीमीटर में है। तो हमेशा बड़े को छोटे में बदला जाता है, ध्यान रखिएगा। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा होता है, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ये जो लंबाई 10 मीटर थी वो अब 10 गुणित 100 सेंटीमीटर हो गई। ये हो गई लंबाई। अब इसी में गुणा करना है चौड़ाई का। तो चौड़ाई कितनी है? 8 मीटर। तो 8 को भी सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 का यहीं पे गुणा हो जाएगा। आप चाहें तो अलग से भी कर सकते हैं। 10 का 100 में गुणा करिए 1000, 8 का 100 में गुणा करिए 800। आप यहां लिखिए 1000 गुणित 800। क्या मतलब बवाल पालने से? बात तो वही है, यहां भी तो 1000 गुणित 800 लिखा है ना। अब नीचे क्या है? वर्गाकार टाइल्स, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। वर्गाकार में लंबाई चौड़ाई नहीं लिखी रहती, आपको बता चुके हैं। वर्गाकार का मतलब होता है कि उसकी लंबाई चौड़ाई सेम है, तो एक ही भुजा रहेगी, उसी का दो बार गुणा करना है। अब इसको यहीं से काट दीजिए, 20 पंचे 100, फिर काट दीजिए 20 पंचे 100, नीचे कैंसिल हो गया पूरा, ऊपर क्या बचा? 5 पचे 25 गुणित 8 गुणित 10, लिख देते हैं एक बार, 10 गुणित 5 गुणित 8 गुणित 5 कितना हो जाएगा? 5 अट्ठे 40 पंचे 200 और एक जीरो इसका। फिर से देख लीजिए, 10 पचे 50, 8 पंचे 40, 50 का 40 में गुणा करेंगे 2000 आएगा। तो यहाँ कितनी टाइल्स लगेंगी? 2000 टाइल्स लगेंगी। लड़के गलती कहाँ पे कर जाते हैं कि एक मीटर में लिखा है उसको सेंटीमीटर में नहीं बदलेंगे, मीटर में ही लिखा रहने देंगे, 10 गुणित 8 और नीचे लिख देंगे 20 गुणित 20, तो कहेंगे अरे ये तो एक भी टाइल्स नहीं आ रही, दशमलव में आ रहा है, जो कि गलत। ठीक, तो ऐसा ही होता है जब भी टाइल्स निकालने हो या बड़े प्लाट में छोटा प्लाट निकालना हो। और आज आपने क्या सीखा कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब आपके लिए आज का एक प्रश्न है, इसका आप जवाब सही से कमेंट बॉक्स में लिखिए। सवाल है, एक कमरे की लंबाई 25 फुट, चौड़ाई 20 फुट एवं ऊंचाई 10 फुट है। 2 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से चारों दीवारों में रंगाई का खर्च ज्ञात कीजिए। सही जवाब 12 बजे रात के पहले जो जो देगा उसका हम वीडियो में नाम जरूर लेंगे। एक आवश्यक सूचना है आपके लिए, ये स्क्रीन पर मेरा फेसबुक का आईडी है, आप इसको सर्च करके फेसबुक पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं, फेसबुक पे हमसे दोस्ती करना चाहते हैं, तो ये हमारी फेसबुक आईडी है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।